मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लग सकती है। ये फैसला रविवार को आयोजित हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव पर मोहर लगते ही मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की ये रिपोर्ट। हाँ, अध्यादेश वापस ले लिया है और महामहिम राज्यपाल को भेजा है। कांग्रेस लगातार जो पीठ में छुरा भोंक रही थी पिछड़ों, मगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को छोड़ के नहीं जा सकती अदालत में, और इसलिए हमने तय किया कि इसको वापस करके महामहिम को भेजें। महामहिम के आ जाने के बाद हम चुनाव आयोग को भेजेंगे। हमारा अध्यादेश एकदम सही था, चार चार बार हम अदालत में गए, कांग्रेस को स्टे नहीं मिला। स्टे नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया, फिर स्टे नहीं मिला तो इन्होंने एक नया मकेड़ा खड़ा कर दिया गबली वाला, और गबली जी का उद्धरण दे दिया और पिछड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया। हमारे मुख्यमंत्री का साफ सोचना है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्पष्ट सोचना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक बड़ी आबादी को कैसे छोड़ दें जो आधी आबादी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष की तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी कि जब भी चुनाव होगा सबको साथ लेके होगा। जैसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि सबको साथ लेके चलना है, मगर कांग्रेस की साजिश के कारण जो एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित होने जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे ओबीसी को पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात सदन में सर्वसम्मति से उठाई थी, प्रस्ताव दिया था। आज कैबिनेट ने वो जो अध्यादेश जारी किया गया था जो विधानसभा के पटल पर अपरिहार्य कारणों से नहीं रखा जा सका था, महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।